हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आगाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने झंडा फहराकर किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस होमगार्ड एनसीसी कैडेट्स के अलावा आशा वर्कर्स के द्वारा पहली बार दी जा रही मार्च पास की सलामी भी ली। कुमारी की अगुवाई में एनसीसी गर्ल्स कैडेट ममता रानी एनसीसी में आकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। इसी हौसले के साथ सलामी देते हुए एनसीसी के गर्ल्स और बॉयज कैडेट अक्षय कुमार की अगुवाई में सलामी देते हुए प्लाटून कमांडर मिलाप शर्मा की अगुवाई में नर्सिंग महिला स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता फ्रंटलाइन वर्कर सलामी देते हुए सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे महेंद्र सिंह बहुत ही बेहतरीन उनके साथ सलामी देते हुए मंच से निकल रही है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश तीव्र गति से तरक्की कर रहा है। शहरी विकास मंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। हिमाचल भी तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और प्रदेश की जयराम सरकार लोगों के हित में आए दिन काम कर रही है। भारत को आजाद हुए 74 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं और आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में जो है मनाया जा रहा है। हम अगर पीछे देखें तो देश भी और प्रदेश भी कहाँ खड़ा था, और आज हम देखें तो आज जो है वो देश और प्रदेश जो है वो तीव्र गति से विकास की ओर जो है वो बढ़ रहा है। देश ने जो है वो बहुत प्रगति की है। आज हिंदुस्तान की सेना के पास, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो नौसेना हो अथवा थल सेना हो, सबके पास वो आधुनिकतम हथियार हैं जो शायद 1947 के कबायली शासन के समय के साथ जब संघर्ष हुआ था हिंदुस्तान की सेना का, तब जो है वो 303 की राइफल के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी प्रकार से विकास के क्षेत्र में भी अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे थे, आज जो है वो हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश दोनों ही बहुत आगे हैं। तो हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो है वो इसीलिए प्रधानमंत्री जो है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और आज उन्होंने एक और नया शब्द जोड़ा है सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा, एक समृद्धशाली राष्ट्र बनेगा और दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जो है वो गिना जाएगा। यही संदेश आज प्रधानमंत्री जी ने भी इस अमृत महोत्सव के अवसर पर दिया है। मैं हिमाचल प्रदेश जो 1948 में एक छोटे प्रदेश के रूप में पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के बना था, उसके बाद जो पहाड़ी क्षेत्र पंजाब में रह गए थे उनको 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलने के बाद जो है पूर्ण राज्यत्व प्राप्त हुआ, उसके भी हम 51 वर्ष मना रहे हैं। स्वर्णिम जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है उसमें भी जो है विकास की गति बढ़ रही है। तो इस अवसर पर मैं सारे हिमाचल वासियों को, सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंत्री वीरेंद्र कंवर को काले झंडे दिखाए जाने पर कांग्रेस पार्टी की कड़े शब्दों में निंदा भी की।
उन्होंने कहा कि विधानसभा के मुद्दे को लेकर सड़कों पर काले झंडे दिखाना गलत बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी हमेशा एग्रेसिव रहते हैं और विधानसभा में उनका एग्रेसिव नेचर सभी ने देखा है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र कंवर किन्नौर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वहां गए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें काले झंडे दिखाकर अतिथि का अपमान किया है, जो कि हिमाचल की संस्कृति नहीं है। देखिए, कांग्रेस लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं करती थी। हमेशा इनके नेता जो हैं वो तानाशाही प्रवृत्ति के रहे हैं। 1975 में इमरजेंसी जब लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तो कांग्रेस का जो है वो लोकतांत्रिक और काला चेहरा जो है सारी दुनिया ने देखा था। आज भी उसी मानसिकता के अनुसार जो है वो ये काम करते हैं। विधानसभा में अपनी अपनी बात रखने का सभी सदस्यों को हक है, और वहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है, जो काम होता है, वो विधानसभा के अंदर ही होता है, और उसके बाद उसका आम जनता या आम कार्यकर्ता के विधानसभा में किसी व्यक्ति ने किसके विरोध में बोला, किसके हक में बोला, इस पर जो है वो कोई इस प्रकार का जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से रिएक्शन करना जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री वीरेंद्र कंवर जी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए किन्नौर जा रहे थे, रिकांगपियो में जो जिला हेडक्वार्टर है। कांग्रेस के नेता, उनके पदाधिकारी किन्नौर में एंट्री के साथ साथ रिकांगपियो तक जो है वो प्रदर्शन करें, काले झंडे दिखाएं, इसलिए कि विधानसभा के अंदर उन्होंने जो है वो कोई बात की है। जो उन्होंने बात की होगी वो किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने उसका पलटवार किया होगा, और मैंने जो देखा है विधानसभा के अंदर, मेरे साथ नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं और श्रीमती कमलेश जी भी हैं जो हमारे विधायक हैं, दोनों डिप्टी चीफ व्हिप हैं। हाउस के अंदर हमेशा जगत सिंह नेगी का व्यवहार जो है वो एग्रेसिव रहता है। वो अपनी सीट से आगे हट करके जो है वो चैलेंज करने की मुद्रा में जो है वो हर एक के पास जो है आ जाते हैं, और अपने उस दुस्साहस के लिए जो है वो श्री वीरेंद्र कंवर जैसे जो है शांत प्रवृत्ति के विधायक और मंत्री पर जो है वो दोषारोपण करें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर अगर उस प्रकार की कोई गतिविधि हुई भी है, कोई घटना घटी है, तो वो विधानसभा के अंदर होती है। विधानसभा के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा में किसी बात को कहने के लिए, किसी बात के गेस्चर के लिए जो है वो कोई अगर इस प्रकार का जो है वो दुर्व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार का एक्शन किया जाता है, तो उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इसके लिए मैं समझता हूं कि पहाड़ी संस्कृति में तो कभी कोई व्यक्ति जो है वो अपने घर जब आता है तो उसे देवतुल्य माना जाता है। यहाँ तो अतिथि देवो भव की भावना से काम करते हैं, और यही प्रवृत्ति जो है वो किन्नौर की भी है, यही जो है वो सारे हिमाचल प्रदेश की है। और किन्नौर जिला में जो है वो एक मंत्री जो है वो झंडा फहराने के लिए जा रहा है, आपके अतिथि के रूप में जा रहा है, उसका आप इस प्रकार से अनादर करें, अपमान करें, ये निंदनीय है। इसके जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है।